तो गाइस यदि आपने थंबनेल देखकर वीडियो को क्लिक किया है तो एकदम सही किया है गाइस, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को या फिर अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से इजीली बिना किसी डेटा केबल के कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज की ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इसी तरह से स्पेशल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। क्योंकि गाइस जनरली जब होता क्या है, जब हम घर पर रहते हैं तो आराम से हम डेटा केबल का यूज कर लेते हैं, फिर ऑफिस में रहते हैं तो डेटा केबल का इजीली यूज कर लेते हैं। लेकिन गाइस जब आप कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ पर आपके पास यदि डेटा केबल अवेलेबल नहीं होती तो आप लैपटॉप या फिर किसी भी पीसी को कैसे कनेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर होगा। तो गाइस आज ये क्वेश्चन आपके माइंड से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बिना किसी डेटा केबल के आप आराम से अपने फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट कर पाओगे, और आराम से आप कोई भी फाइल आप इजीली कॉपी कर पाओगे, ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो गाइस वीडियो सच में आपको हेल्पफुल लगे तो 3 लोगों को शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है एवं दीपक और आप देख रहे हैं टोटल हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सिंपली मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी स्क्रीन पे। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने पीसी को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो भी बिना डेटा केबल के। तो गाइस ट्रिक एकदम यूनिक है और बहुत ही हेल्पफुल है, आपके बहुत काम आने वाली। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस पीसी में भी आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है ना, उसमें आपके पीसी में व्हाट्सअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये ट्रिक जो बताने वाला हूँ ये सब ऑनलाइन है, आप कैसे कॉपी करोगे कैसे ट्रांसफ़र करोगे वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी जिस पीसी में आपको कनेक्ट करना है उसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेना। अब वो इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हर एक पीसी में ऐप स्टोर होता है, सिंपली आपको अपने ऐप स्टोर पे चले जाना और आपको यहाँ पर व्हाट्सअप सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे ये इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसे लॉन्च कर लेंगे। गाइस से आप यहाँ पर देख सकते हो दिस प्रोडक्ट इज इंस्टॉल्ड, यानी कि मैंने यहाँ पर इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सिंपली आपको यहाँ से बैक कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको करना क्या है कि सिंपली अपने व्हाट्सअप को ऑन करना है। सिंपली गाइस मैं यहाँ से अपने व्हाट्सअप को ऑन कर लेता हूँ और फिर आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है, अपने इंटरनेट को पहले कनेक्ट कर लेना है इसमें, ठीक है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप इसे यहाँ पर कनेक्ट करोगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने मोबाइल पर जाना है, और मोबाइल पर जाने के बाद अपने व्हाट्सअप पर जाने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर कि अपने ये जो व्हाट्सअप है गाइस इसे क्लोन कर लेना है। तो व्हाट्सअप वेब पर जाके मैं इसे क्लोन कर लेता हूँ। तो गाइस क्लोन वाली प्रोसेस तो आप सबको पता ही होगी। तो सिंपली जैसे आप यहाँ पर क्लोन करते हो गाइस, तो मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ा सा यहाँ पर लो है। तो एनीवेज मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ, आपको किसी भी अपने व्हाट्सएप चैट पे चले जाना है। व्हाट्सएप चैट पे जाने के बाद गाइस आपको करना क्या है यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र या फिर कॉपी कैसे करोगे। तो गाइस आपको यहाँ पर एक ऊपर साइड पर एक और ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद गाइस आपको फोटोज़ एंड वीडियोज़, मैं आपको यहाँ पर फोटो सेंड करके दिखाऊंगा अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ पर ये वाली फ़ोटो सेंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो चुकी है और सिंपली आपको यहाँ पर इसे सेंड कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये फ़ोटो यहाँ पर सेंड हो चुकी है और आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पे ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर इसे ये देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोन पे इसे प्ले ओपन करके देख सकता हूँ और ये फ़ोटो मेरे गैलरी में भी आ गई होगी। तो गाइस इस तरह से आप अपने पीसी से अपने फ़ोन पे हुआ। अब मैं आपको अपने फ़ोन से पीसी में भी करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अपने फ़ोन पे जाना है और किसी भी अपने मीडिया फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। यदि फ़ोटो की क्वालिटी कम ना हो ना गाइस, इसलिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बना के भेज रहा हूँ, ठीक है, कोई भी अपनी फ़ोटो या फिर वीडियोज़ भेजूँगा गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सी भी एक, सपोज़ दैट ये मेरा एक थंबनेल है, मैं इसे सेंड करता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसे सेंड कर दिया है। तो आप देख सकते हो गाइस वहाँ पर पीसी में भी ये लोडिंग हो रही है और यहाँ पर आप पहले मैं अपने फ़ोन पे ऑन करके दिखा देता हूँ यही चीज़। तो ये आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये मेरा एक थंबनेल है जो कि मैंने यहाँ पर इसे सेंड किया हुआ है। अब मैं ये चीज़ मैं आपको पीसी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर इसे सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करते हो गाइस,
आपको यहाँ पर अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैं पिक्चर वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर अपना जो भी यदि नाम भी चेंज करना है, जबकि मैं यहाँ पर नाम नहीं चेंज कर रहा, आपको सिंपली यहाँ पर सेव कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है थंबनेल। तो इस तरह से आप कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल भी आप कॉपी कर सकते हो गाइस। कोई भी जैसे वीडियो है, कोई भी 5-6 मिनट की वीडियो है, आप आराम से यहाँ पर सेंड कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है गाइस, इसे मैं हमेशा मैं खुद अप्लाई करता हूँ। कोई भी यदि वर्ड है, कोई भी वीडियो है, कोई भी फोटो है, कुछ भी है गाइस, मैं यहाँ पर सेंड करके अपने फ़ोन से और लैपटॉप से और लैपटॉप से फ़ोन में ऐसे कॉपी कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो गाइस यदि आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो मेरी हेल्प करने के लिए गाइस आपको ये वीडियो 3 लोगों को शेयर करनी होगी, जिससे मेरी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।